व्हाट्स अप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पॉजिटिव न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ फिल्म स्टार नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दशहरा की OTT रिलीज डेट के बारे में। ये मूवी आपको OTT पे कब देखने को मिलेगी, किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, 3 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म दशहरा बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। बता दें आपको, 3 दिनों में नानी और कीर्ति सुरेश की इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करते हुए अपने खाते में 70 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई हासिल कर ली है। तो वहीं दोस्तों, नानी स्टारर इस फिल्म की दमदार कमाई एक तरफ जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को टेंशन दे रही है, तो वहीं कारोबार के मामले में साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है। दिलचस्प बात यह है कि नानी के फिल्म दशहरा को बनाने में मेकर्स ने ज्यादा रकम नहीं फूकी थी। फिल्म को महज 65 से 70 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया। दोस्तों बता दें आपको, सिर्फ हिंदी भाषा को छोड़कर फिल्म ने सभी राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि दशहरा रिलीज के तीसरे ही दिन अपनी लागत निकालने में सफल रही। एनीवेज दोस्तों, अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं, बात करें दशहरा की OTT अपडेट की। तो दोस्तों, ये मूवी आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। और बात करें हिंदी की, तो दशहरा के हिंदी राइट्स Disney+ Hotstar के पास है। सो फ्रेंड्स, थिएटर रिलीज के 6 हफ्ते बाद यानी मई के 2nd वीक में दशहरा मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में Disney+ Hotstar पे देखने को मिलेगी और नेटफ्लिक्स पर बाकी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में फिल्म को रिलीज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड विद पॉजिटिव न्यूज़।